विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रा के तहत विभिन्न जिलों में एम्बेसेडर नियुक्त किए गए। इस अभियान के तहत नीरज वशिष्ठ को प्रदेश प्रभारी और हर्षित तिवाड़ी को प्रदेश सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार एम्बेसेडर के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। विकसित भारत संकल्प अभियान, इसके लिए मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश भर में जा रही है, और वो गाड़ी तभी जाती है जब किसी ने गारंटी पूरी की हो। देश की जनता में विश्वास है कि जो काम बरसों से लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा भी कभी उद्धार होगा, कल्याण होगा, उन्नति और प्रगति के पथ पर जाएंगे, देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, तो आदरणीय मोदी जी की कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उन लोगों को उस योजना से जुड़ने का फायदा मिला है। और आज वो गारंटी वाली गाड़ी जब गांव में जाती है तो लोग उस अभियान से जुड़ते हैं, उस गाड़ी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वंदन अभिनंदन करते हैं। ये विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनना, इसमें 100 डेज की एक चैलेंज, 100 डेज चैलेंज कॉम्पिटिशन भी है। अनेक आदरणीय मोदी जी के लोक कल्याण के कामों की जानकारी उस ऐप पे आती है, और एम्बेसडर बनने के बाद आज हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने इसकी एक वर्कशॉप रखी है। मैं सोचता हूँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ सभी लाभार्थी और आमजन भी इस दिशा में अपने आप को जोड़ने का काम कर रहे हैं।